खबर बाराबंकी के ब्लॉक मसौली से है, जहां पंप नहर हबीबपुरवा रोटी गांव नहर का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य अभियंता विश्राम सिंह व अधिशासी अभियंता विमल चौधरी। आपको बता दें कि ब्लॉक मसौली अंतर्गत पंप नहर रोटी गांव व हबीबपुर में नहर पूरी तरह से टूटी व जंगल झाड़ी युक्त नजर आई। गांव में कुछ नहरों की सफाई कराई जा रही है, जिसमें मजदूरों के साथ छोटे बच्चों से भी मजदूरी कराई जा रही थी, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है। पड़ताल के बाद बच्चों द्वारा बताया गया कि उनकी उम्र अभी 15 व 16 वर्ष के बीच में है। इतना ही नहीं, बाराबंकी जनपद में कुछ नहरों पर कार्य कराया गया, कुछ नहरों पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई है, जिसका निरीक्षण मुख्य अभियंता विश्राम सिंह करने पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि जहां कार्य नहीं हो रहा है, नहरें पूरी तरह जर्जर हैं, वहां उनके ही अधिकारियों ने दिखाया ही नहीं। और तो और, ब्लॉक सूरतगंज क्षेत्र में अब तक कार्य नहीं कराया गया, जहां अधिकारियों के निर्देश भी हवा हवाई साबित हुए। इतना ही नहीं, जब इस संबंध में अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने सवाल पूछना चाहा, तो अपनी कमियों को छुपाते हुए जवाब देने से अधिशासी अभियंता लघुडाल नहर विभाग विमल चौधरी ने इनकार कर दिया। इस मौके पर सहायक अभियंता ओपी राजवंशी व अवर अभियंता संदीप द्विवेदी मौजूद रहे। सर, सर हमारे सर एक जवाब दे दीजिए। हाँ, सर है। अच्छा अच्छा सर, कितने दिन से आप काम कर रहे हो यहाँ पर? क्या नाम है आपका बेटा? सूरज। कौन से गांव में रहते हो? रोटी गांव। ये जो आप काम कर रहे हो, इसका कितना पैसा मिलता है आपको? 250। कितने दिन से आप कर रहे हैं यहाँ पर? आज आए। ये काम आज ही चालू हुआ है? विशाल। ये जो आप पंप नहर में काम कर रहे हैं, इसका आपको कितने रुपया मिलता है? 250। कितने दिन से कर रहे हैं आप काम? हमको तो आज 3.5 दिन हो गए। 3.5 दिन हो गए हैं। किसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं? एक जो यहाँ रहते हैं, पंप नहर चलाते हैं, उन्हीं के माध्यम से।